भारत सरकार की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यालयों, कारखानों, छतों पर सोलर पैनल लगाकर स्वयं की बिजली उत्पन्न करने हेतु रूफ टॉप सोलर योजना फ्रेज सेकंड चलाया जा रहा, जिसके तहत यदि आप 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक क्षमता वाला सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार द्वारा कुल लागत का 40% अनुदान दिया जाए। यहीं पर 3 किलोवाट से अधिक 10 किलोवाट तक की क्षमता वाला सोलर पैनल लगाते हैं तो कुल लागत का 20% अनुदान मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। यह योजना स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम द्वारा किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से सोलर पैनल सब्सिडी इन इंडिया के विस्तार पर चर्चा करते हैं, जिसके तहत निम्न बिंदु हम कवर कर रहे हैं। नंबर एक है रूफ टॉप सोलर पैनल क्या है। नंबर दूसरा, रूफ टॉप सोलर पैनल का लाभ क्या है। नंबर तीसरा, रूफ टॉप सोलर पैनल से आपको कुल कितनी सब्सिडी मिलेगी। नंबर चौथा, रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए आपको जगह की कितनी आवश्यकता है। नंबर पांचवा, रूफ टॉप सोलर पैनल का आवेदन एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज। नंबर छठवा, रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए आपको आवेदन कहां करना है। नंबर सातवा है रूफ टॉप सोलर पैनल की आधिकारिक वेबसाइट तथा डिस्कॉम की लिस्ट आपको कहां मिलेगी। आपसे एक अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराएं तथा शेयर भी करें। तो चलिए विस्तार से योजना के बारे में समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। आज के समय में बिजली का उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। घर में मौजूद सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण बिजली के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। इसीलिए बिजली हमारे लिए बड़ा ही अहम है। जहां एक ओर हम बिजली बचाने के लिए सैकड़ों उपाय अपनाते हैं, वहीं दूसरी ओर समय समय पर बढ़ते हुए बिजली के दर के कारण घर में जब बिजली का बिल आता है तो हमारे हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बिजली के बढ़े हुए दर का सीधा असर हमारे जेब में होता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई जिसका नाम है रूफ टॉप सोलर योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा यह सोचा गया क्यों ना भारत में निवास करने वाले नागरिक स्वयं के उपयोग हेतु बिजली का उत्पादन करें तथा अपने उपभोग से बचे हुए बिजली का स्थानीय वितरण कंपनियों को बेच दें, जिससे नागरिकों को अतिरिक्त इनकम कमाने का भी मौका मिले। आपको बता दें उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2 वीडियो बनाए गए, जिसमें एक है प्रधानमंत्री कुसुम योजना कि सोलर पावर प्लांट लगाकर कैसे पैसा कमाना है। नंबर दूसरा है सीएम सोलर पंप योजना। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस दोनों वीडियो को देख लें। ऊपर आई बटन है, आई बटन को प्रेस करिए, आपको दोनों वीडियो की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, विस्तार से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि सोलर पैनल लगाने पर आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो उसमें नंबर एक है कि आप जानते हैं कि अधिकांश बिजली का उत्पादन कोयले द्वारा किया जाता है। कोयले के उत्पादन में जहां एक ओर लागत बहुत आती है, वहीं दूसरी ओर बिजली के उत्पादन में वायु तथा जल का भी प्रदूषण होता है, जिस कारण से सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। नंबर दूसरा, हम बात करें यदि आप खाली छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो कुल बिजली की लागत जो आपकी आती है उसमें से 30% से लेकर 50% तक आपकी लागत बचती है, तो आपका पैसा बचता है। नंबर तीसरा, यदि आप सोलर पैनल लगाते हैं तो लगभग 25 साल तक आप लाभ लेते हैं, तो 5 से लेकर 6 वर्षों तक में इसकी पूरी लागत वसूल हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो 19 से 20 वर्षों तक आप फ्री में बिजली प्राप्त करते हैं, तो यह हुआ ना आपके लिए फायदे का सौदा। नंबर चौथा, भारत सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने हेतु कुल लागत का अनुदान तथा आपको बैंक द्वारा ऋण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। इस तरह से आप देखेंगे कि यह योजना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी किफ़ायती है। आपके जेब का जो खर्चा है वो इस योजना के माध्यम से बचने वाला है तथा पैसे भी आप इस योजना के माध्यम से कमा सकते हैं।
चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि यदि आप रूफटॉप सोलर योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार द्वारा आपको कुल कितना अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाते हैं तो कुल लागत का 40% अनुदान दिया जा रहा है। वहीं पर 3 किलोवाट से अधिक 10 किलोवाट तक की क्षमता वाला सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल लागत का 20% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यदि आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या इससे अधिक के अनुदान का विस्तार से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर विस्तार से समझ सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए किस तरह का जगह का चुनाव करना और कितनी जगह की आवश्यकता है। तो जगह के चुनाव की बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश सीधा आना चाहिए आपकी छतों में, छायादार जगह का चुनाव बिल्कुल नहीं की जाए। अगर बात करूँ स्पेस की तो 1 किलोवाट सोलर ऊर्जा के लिए आपको 10 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। आप अपनी क्षमता अनुसार अनुमान लगा लीजिएगा, जितने किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप गुणा करकर आप समझ लीजिएगा कि कितनी जगह आपको लगेगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं तथा मापदंड क्या है। प्रथम हम बात करते हैं आपके मापदंड की, तो नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 जहां पर आप सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो आपका स्वयं का हो या कानून तौर पर आपका कब्जा होना चाहिए। नंबर 3 सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए जो सोलर सेल तथा मॉड्यूल है भारत सरकार द्वारा माने भारत में बने होने चाहिए। दस्तावेज की बात करूं तो नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट साइज की फोटो, नंबर 4 वोटर आईडी, नंबर 5 बैंक का पासबुक, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, नंबर 8 छत पे जहां आप सोलर लगाना चाहते हैं वहां की फोटो, और नंबर 9 आपका मोबाइल नंबर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आपके आवेदन कहां पर होंगे, इस पर हम जानकारी लेते हैं। आवेदन करने हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। नंबर 1 है solarrooftop.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे विजिट करिए और आवेदन करिए। नंबर 2 है स्थानीय विद्युत जो वितरण कंपनी है, डिस्काम है, वहां पर भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे सरकारी डिस्काम की बात की जाए तो MPB, गोवा बिजली बोर्ड, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केरल राज्य बोर्ड। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने राज्य के स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क कर आवेदन करें। डिस्क्रिप्शन में सभी डिस्काम के हम लिस्ट दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सोलर रूफटॉप योजना की आधिकारिक वेबसाइट की अगर बात की जाए तो solarrooftop.gov.in में विजिट कर संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सुधार की जरूरत वो भी बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।